नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मई, दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दिल्ली आबकारी नीति में केजरीवाल को लेकर ईडी ने किए खुलासे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धीरेन्द्र शास्त्री को दी चेतावनी। जदयू के सांसद ने बताया जल्द होगा राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन का ऐलान। मोदी सरनेम के बाद अब इस मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता का किया आह्वान। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली आबकारी नीति में केजरीवाल को लेकर ईडी ने किए खुलासे। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित शराब घोटाला मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ईडी द्वारा दाखिल हुए इस दूसरे चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण खुलासे देखने को मिले। इस चार्जशीट में ईडी द्वारा कहा गया है कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू के साथ जूम कॉल का अरेंज करवाया गया था। साथ ही यहां यह भी बताया गया है कि आम आदमी पार्टी का विजय नायर एक महत्वपूर्ण सदस्य था जो आबकारी नीति को मैनेज करने में लगा था। साथ ही साथ यहां इस बात का खुलासा भी हुआ है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का प्लान था। वहीं इस चार्जशीट में कविता, जो कि तेलंगाना के सीएम के सीआर की बेटी है, उनका जिक्र भी किया गया है और बताया गया है कि आबकारी नीति बनाने और लागू होने के बाद उन्होंने कई बार विजय नायर के साथ मीटिंग की थी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धीरेन्द्र शास्त्री को दी चेतावनी। बिहार में राजद धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के विरोध में जमकर बोलती नजर आ रही है। अब तक धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में तेज प्रताप यादव से लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तक बोल चुके हैं। जगदानंद सिंह ने तो यह तक कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री की जगह जेल में है। वहीं अब धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाने वाले मंत्री चंद्रशेखर का बयान भी सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर का हश्र वैसा ही होगा ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था। मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को यह जान लेना चाहिए कि यदि उन्होंने बिहार में नफरत फैलाने की कोशिश की तो जैसे आडवाणी जेल गए थे वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री भी जेल जाएंगे। अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा पर हो रहे विरोध को लेकर शरद पवार ने दिया बयान। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा ने सबको चौंका कर रख दिया है। एनसीपी के कार्यकर्ता उनके इस इस्तीफे का विरोध करते हुए अनुरोध किया कि वे अपने इस फैसले को वापस ले। अब उनके इस घोषणा के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत का ट्वीट सामने आया है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि एक समय था जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने भी राजनीति के चलते शिवसेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जनाक्रोश के कारण बाला साहेब को अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। शरद पवार की राजनीति और सामाजिक सरोकार की सांस है। शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा को लेकर हो रहे विरोध पर शरद पवार एक और नया बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष पद के संबंध में पार्टी के भीतर नियुक्ति समिति द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश पर लगाया आरोप। तार के पेड़ से ताड़ी उतारना पासी समाज का मौलिक अधिकार है। यह बात केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा मीडिया से बातचीत के दौरान कही गई है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि इस मौलिक अधिकार को खत्म करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि जैसे किसान खेती करने का काम करते हैं, धोबी कपड़े धोने का काम करते हैं और नाई बाल काटने का काम करते हैं, ठीक वैसे ही पासी समाज का जातीय पेशा ताड़ी उतारना है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस मौलिक अधिकार के समाप्त हो जाने से उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पासी समाज के बच्चे सही से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। यौन उत्पीड़न मामले में पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर लगाया आरोप। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर एक समिति बनाकर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले को दबाने का आरोप भारत के शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट द्वारा लगाया गया है। इस आरोप को लगाने के साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़ा होना काफी मुश्किल है। मालूम हो कि यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पहलवान पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। अभी तक इस मामले में 2 प्राथमिकी दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की जा चुकी है। पहलवानों द्वारा इस बात का खुलासा भी किया गया है कि जंतर मंतर पर अपना विरोध शुरू करने से पहले उन्होंने एक अधिकारी से इस संबंध में मुलाकात भी की थी, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। जदयू के सांसद ने बताया जल्द होगा राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन का ऐलान।
विपक्षी एकता को एकजुट करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोरों शोरों से लगे हुए हैं। वहीं कई बार तो नीतीश के पीएम कैंडिडेट होने की बातें भी सामने आई है। एक बार फिर से नीतीश के पीएम कैंडिडेट होने की आवाज तेज होती दिखाई दे रही है। दरअसल सुनील कुमार पिंटू जो कि जदयू के सांसद है, उन्होंने कहा है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बने। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 17 सालों से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं और तो और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। उनका अनुभव लंबा है, वह सबसे योग्य है। साथ ही साथ विपक्षी एकजुटता को लेकर उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन का ऐलान जून के महीने में किया जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी के इन तीन दिग्गज नेताओं पर लगाए हेट स्पीच के आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ये ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो नफरती भाषण के दायरे में आती है। साथ ही साथ कांग्रेस ने भाजपा के इन तीन प्रमुख नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग निर्वाचन आयोग से की है। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण और समाज तथा देश में विभाजन होता है। गृह मंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो दंगा हो जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया है, क्या कांग्रेस की सरकार में हमेशा दंगे होते थे? मोदी सरनेम के बाद अब इस मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें। मोदी सरनेम के बाद अब विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। बता दें कि अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर टिप्पणी की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार हजरतगंज पुलिस को एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के तरफ से मामले की जांच का आदेश कोर्ट के तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ यह भी आदेश दिए गए हैं कि इस मामले की जांच कर कोर्ट को यह रिपोर्ट एक महीने में सौंप दिया जाए। अब इस मामले की सुनवाई आने वाले महीने यानी जून में की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन के समर्थन में उतरे मुकेश सहनी। बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत तेज है। राजनीतिक पार्टियां बाबा के आगमन को लेकर एक दूसरे पर हमला करती नजर आ रही हैं। जहां राजद के नेता धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में नारे लगा रहे हैं, वहीं भाजपा की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान भी सामने आया है। दरअसल मुकेश सहनी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन का समर्थन करते हुए कहा है कि उनके पास जो दिव्य शक्तियां हैं उससे वह बिहार का भला करे। साथ ही साथ उन्होंने एक बयान में यह भी कहा है कि बिहार सबका स्वागत करता है, जो भी बिहार आना चाहते हैं वो बिहार आए, बिहार में घूमे और बिहार के बारे में सोचिए। यदि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं तो इससे बिहार का भला कीजिए। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी ने पीएम मोदी से की माफी की मांग। कांग्रेस द्वारा नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और अन्य संगठनों पर निर्णायक कार्यवाही का आश्वासन देने के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की थी। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि भगवान राम को कैद में रखा और अब बजरंग दल को बैन करने की मांग करके भगवान हनुमान को निशाना बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रहे हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आपत्ति जताया है। आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान हनुमान पवित्रता, श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति, प्रतिबद्धता, सेवा और बलिदान के प्रतीक है। किसी व्यक्ति या संगठन की तुलना उनसे करना भगवान हनुमान का अपमान है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए। माफी की मांग करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ने हनुमान जी के लाखों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। रामनवमी हिंसा मामले में भाजपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन। नीतीश सरकार के विरोध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज बिहार के सासाराम में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल यह धरना रामनवमी पर हुए हिंसा मामले में भाजपा नेता और सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर किया जा रहा। धरना पर बैठे भाजपा नेताओं का कहना है कि हिंसा मामले में चल रही कार्यवाही के दौरान बिहार सरकार भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा संवैधानिक तरीके से इसका जवाब देगी। वहीं सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार के पास जितनी ताकत है लगा ले, हम लोग रामनवमी हिंसा मामले में भाजपा नेता की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि सासाराम के बाद वे बिहार शरीफ जाकर भी रामनवमी हिंसा मामले में भाजपा नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में बीजेपी पर खड़े किए सवाल। कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच काफी हलचल देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विरोधी दलों पर हमला बोलने से नहीं चूक रही। अब इस मामले को लेकर शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर हमला बोला है। दरअसल सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा आलोचना किया जाना पीएम को गालियां देना नहीं होता। कर्नाटक में बीजेपी के पैरों तले रेत खिसक गई है। जब रेत पैरों के नीचे से सरकती है तो सिर भी डर के मारे फिरने लगता है। भाजपा का बिहार
फिलहाल कुछ ऐसा ही हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में सत्ता आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का आश्वासन भाजपा ने दिया है। साथ ही साथ शिवसेना ने भाजपा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कर्नाटक में भाजपा पिछले 5 साल से सत्ता में थी, फिर पिछले 5 सालों में समान नागरिक कानून पर विचार क्यों नहीं किया गया। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा पर बीजेपी नेता ने कही ये बात। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। अब इसी बीच शरद पवार के इस फैसले को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है। दरअसल दिलीप घोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि बहुत दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हो रही थी, अंदर अंदर गुफ्तगू हो रही थी, ये उसी का नतीजा है। मुझे लगता है कि एनसीपी का अस्तित्व संकट में है। पवार साहब जिस तरह से पावर को साथ राजनीति कर रहे थे, वो पावर उनके हाथ से कम हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लोगों की इच्छा की दिशा में ही वहां की राजनीति चल रही है। हालांकि शरद पवार ने अपने इस्तीफे की घोषणा को लेकर कहा है कि अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता का किया आह्वान। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकजुटता की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं अब खबर आई है कि देश के सभी गैर बीजेपी ताकतों को एकजुट करने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी लगी हुई हैं। दरअसल एक वीडियो के जरिए ममता बनर्जी द्वारा कहा गया है कि अगला विधानसभा चुनाव बदलाव के लिए होगा। यदि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी की हार निश्चित है। देश को बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया आतंकी समर्थकों की ढाल। बीजेपी कर्नाटक में दोबारा सत्ता में खुद को लाने के लिए जोरों शोरों से जुटी हुई है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। दरअसल एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ साठगांठ करती है और चुनाव के लिए भारत विरोधी ताकतों से मदद लेती है। वे देशद्रोहियों पर मुकदमे वापस लेते हैं और वे आतंकी समर्थकों के ढाल बनते हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में शांति की दुश्मन है, विकास की दुश्मन है। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है और तुष्टिकरण को बढ़ावा देती है। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है कृष्ण कुमार यादव, सुरेश ओरम, दया शंकर प्रसाद, मोहम्मद जावेद, रमेश कुमार सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, अजीत पोरस, रामनंदन पंडित, कौशलेंद्र कुमार सन्हा। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।